नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में आज जनपद जालौन में किसानों आधुनिक खेती का तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ग्वालियर रवाना किया गया। जिले के 25 किसानों को आज कलेक्ट्रेट परिसर से बस द्वारा रवाना किया गया, जिसे जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि जालौन के किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इन्हीं प्रशिक्षणों के तहत आज नाबार्ड द्वारा जिले के अलग अलग विकास खंडों से चयनित 25 किसानों को आलू की खेती का तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बस द्वारा रवाना किया गया। इन सभी किसानों को केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ग्वालियर 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रशिक्षण के लिए चयनित सभी किसानों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें शासन की अन्य योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी। जालौन से लाइव एक्सप्रेस संवाददाता इमरान अली की रिपोर्ट। ठीक है, आज नाबार्ड द्वारा यहाँ कालपी तहसील के फार्मर्स क्लब के 25 किसानों को जो है ग्वालियर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट और ग्वालियर केवी के भेजा जा रहा है। ये जो हमारे किसान भाई हैं, ये वहाँ पर आलू की खेती से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त बायो पेस्टिसाइड बनाने का भी जानकारी लेंगे। इसका उद्देश्य जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकता और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की लैब टू लैंड अर्थात प्रयोगशाला में जितने भी नए प्रयोग किए जाते हैं उन सभी का जो लाभ है वो हमारे किसानों को खेत में मिलना चाहिए। और वो किसानों को तभी मिलेगा जब वो स्वयं जाकर उन चीजों के बारे में जानेंगे और फिर उनका अपने खेत में प्रयोग करेंगे। तो इसी कड़ी में ये जो किसानों की बस है वो जा रही है, ये वहां से सीख कर आएंगे और ये फाइनली इनकी आय को वृद्धि करने में सहयोग देगा। कितने किसानों को? 25 किसानों को भेजा जा रहा है। ठीक है।